अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज आप लोग फिर से आ गए हैं मेरे चैनल पे ऑब्सेस्ड विद इस्लाम, और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ थ्री इंग्रेडिएंट्स हलवा। इसमें मैंने सूजी डाल दिया, सिर्फ एक कप सूजी चाहिए आपको। किसी भी लोकल शॉप से सूजी आपको मिल जाती है, ठीक है। आपने वो सूजी ले लेनी है, उसके बाद आपने इसको इस तरह से भून लेना है सूजी को, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इसको आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, इसको इसी तरह चम्मच से घुमाते रहना है और इसको ब्राउन कर लेना है। कोई भी सॉस पैन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। इसको आपने घुमा लेना है, इसको इस तरह घुमाते रहना जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसमें एक पौना कप इसमें हमने डाल लिया घी। आप कोई भी घी डालडा का ले सकते हैं और कोई भी कंपनी जब चाहते हैं। मैंने यहाँ पे डालडा का घी लिया क्योंकि हम लोग वही यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने इसमें डालने के बाद पानी डाल देना। 3 कप पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर, और 1 कप सूजी थी इसलिए मैंने 3 कप पानी डाला है, और मीडियम फ्लेम रखी है इसमें। मीडियम फ्लेम में आपने पूरा हलवा बनाना है, ठीक है। 3 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, और इसके बाद और अब मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ 2 कप चीनी के। चीनी डाल दी मैंने यहाँ पे, और आप अपने मुताबिक हसब जायका भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अब भूनना है, इसमें पानी इसको ख़त्म करना है पानी को, ठीक है। आपने पानी ख़त्म करना है, इसमें आप गेड़ियाँ डाल सकते हैं, आप इसमें इलायची जो भी आप चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे के कोकोनट डाला है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको हिलाना है और पानी को अच्छी तरह सूखने देना है, ठीक है। जब पानी सूख जाएगा और इस तरह ठीक हो जाएगा, ठीक है, पानी सूख जाएगा तब आपने इसको फ्लेम को बंद कर देना है। और ये हमारा मज़ेदार हलवा तैयार है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।